नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर तेज होने की वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकता है, ऐसे संकेत शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है। एक बार ये ट्वीट आप देखिए और समझिए। बता दें कि शिवसेना नेता के मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी विधायकों के साथ असम पहुंच गए हैं और वह यहां होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं। इसके बाद उद्धव सरकार पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है। इसके साथ कुल मिलाकर उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सुबह मेरी एकनाथ शिंदे से 1 घंटे तक बातचीत हुई है, ना तो शिंदे को हम छोड़ पाएंगे और ना ही वो हमें छोड़ के ज्यादा खुश है। ज्यादा से ज्यादा सत्ता चली जाएगी लेकिन हम फिर से जीतेंगे। संजय राउत के इस बयान के बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि आज शाम तक एक बड़ा फैसला आ सकता है, संजय राउत सरकार गिर सकती है। लेकिन इस बात पे अभी मोहर नहीं लगा है। शाम तक इस बात पर मोहर लगने की आशंका है। वो खबर हम आपके पास लेकर आएंगे, ब्रेकिंग की तरह आप तक पहुंचा देंगे। अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते और शिंदे जी मराठी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते मराठी मराठी शिंदे जी मराठी सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदे जी काही आमदार तुमच्या बरोबर किती आमदार आहेत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के संकेत दिए जा रहे हैं। लगता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अपनी हार मान चुकी। संजय राउत ने विधानसभा भंग किए जाने के संकेत दिए हैं। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट के बायो से मंत्री पद ही हटा दिया। वैसे महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट में इतना बढ़ जाने के बाद यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो यह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इसे मान लेते हैं या फिर संवैधानिक तौर पर कोई और विकल्प तलाश करते हैं। यदि नहीं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की बागी दोनों सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस क्या चुनाव के लिए तैयार होगी। हालांकि इस मुद्दे पे फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके जुड़ी पल टू पल अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पूरे मुद्दे से जुड़ी पल टू पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहना होगा आपको जनसत्ता.com के साथ।